फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन और प्रेसिपिटेशन। जैसा कि नाम से पता चला है कोगुलेशन, सबसे पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स का इकट्ठा होना। या फ्लॉकुलेशन का भी मतलब यही है। या प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? एस पी पी टी, पार्टिकल का नीचे सेटल डाउन हो जाना, क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन। जैसा कि हमने पढ़ा था कोलोइडल पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या फिर पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो जैसे हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, वो जो नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है या फिर जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज है, वो इमीडिएटली क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब जैसे न्यूट्रलाइज होंगे कोगुलेट हो जाएंगे, कोगुलेट होते क्या हो जाएंगे? नीचे सेटल हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन और प्रेसिपिटेशन। तो क्या बोलेंगे इसको? इसकी क्या डेफिनेशन होगी हमारी? इट इज defined as the process of aggregation of colloidal particles to change them into large sized particles। कि अब कोगुलेट होंगे तो किसके अंदर कन्वर्ट होंगे भाई? लार्ज साइज पार्टिकल्स की फॉर्म में, विच अल्टीमेटली सेटल डाउन एट बॉटम। जो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे? बॉटम के ऊपर सेट हो जाएंगे एज प्रेसिपिटेट। किस फॉर्म में सेटल हो गए भाई? वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एड। जब हम उसके अंदर क्या डालेंगे? थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, ऐड करते उसकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और कोगुलेट हो जाएगा, लार्ज आयन बना देगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन और प्रेसिपिटेशन। उसके बाद आता हमारा कोगुलेटिंग आयन और फ्लॉकुलेटिंग आयन भी बोल सकते हैं और प्रेसिपिटेटिंग आयन भी बोल सकते हैं। तो वो आयन जिन्होंने डिस्पर्ज फेज पार्टिकल को न्यूट्रलाइज किया है उनको क्या कह देंगे हम? कोगुलेटिंग आयन। मतलब द आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन ए कोलोइडल पार्टिकल्स। क्लियर है? उसको क्या कह देंगे भी हम? कोगुलेटिंग आयन। मतलब वे आयन जो सॉल्यूशन के न्यूट्रलाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल। मान लिया नेगेटिवली चार्ज हमारे जो सॉल्यूशन था उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज भी हमारा कोगुलेटिंग आयन। उसके बाद क्या था हमारा? कोगुलेशन वैल्यू, या इसको बोल सकते हैं फ्लॉकुलेशन वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन वैल्यू। कि सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया है वो क्या हो जाएगी उसकी? कोगुलेशन वैल्यू। मतलब इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इसके अंदर किस में मेजर करेंगे? मिलीमोल्स में। जरूर लिखेंगे इसको ब्रैकेट में, मिलीमोल्स में। दैट मस्ट बी एडेड टू 1 liter ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कोगुलेशन, टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कोगुलेशन। उसको क्या कहेंगे हम? कोगुलेटिंग या कोगुलेशन वैल्यू। मतलब सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और इसका जो वॉल्यूम है वो 1 liter है। अब इसको कोगुलेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, मान लिया हमने 0.5 ml कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला। क्लियर है? अब एक और सॉल्यूशन है सेम 1 liter, वही सॉल्यूशन है 1 liter जो हमने यहाँ पे लिया था। इस 1 liter को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने डाला 0.2 ml इलेक्ट्रोलाइट डाला। अब इसको तो 1 liter को न्यूट्रलाइज कितना कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन? 0.5 ml। और इसमें सेम हमारा सॉल्यूशन है लेकिन उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए कल कितना इलेक्ट्रोलाइट लग रहा है हमारा? 0.2 ml। तो किसकी पावर ज्यादा होगी?
नंबर बड़ा है मतलब पावर ज्यादा नहीं है, यहाँ पर यही कंसेप्ट है कि जितनी स्मॉलर हमारी वैल्यू होगी, कोगुलेशन वैल्यू होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी। कैसे? अब देखिए, एक लीटर के लिए ये इनफ है 0.5, और ये इसी एक लीटर के लिए केवल 0.2 ml, मतलब इसके कंपैरिजन में ये आप से भी कम लगा, तो मतलब इसकी पावर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं कि स्मॉलर इज द कोगुलेशन वैल्यू, कि किसी की जितनी ज्यादा क्या होगी, छोटी कोगुलेशन वैल्यू होगी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर इज इट्स कोगुलेटिंग पावर, ग्रेटर इज इट्स कोगुलेटिंग पावर, उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कोगुलेटिंग पावर होगी। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंपैरिजन आ गया होगा आपको इन दोनों में से, इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, क्योंकि उतना ही काम केवल 0.2 ml कर रहा है, और ये इतना ही काम के लिए हमें 0.5 ml, इसका लगभग दो गुने से भी ज्यादा हमने इसको देना पड़ रहा है न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन ये इसका हाफ से भी कम लग रहा है, तो हमारे लिए क्या है, बेटर है। तो कोगुलेटिंग पावर क्या, कोगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जिसकी जितनी समांतर क्या होगी, हमारी वैल्यू होगी। क्लियर है? अब इसके ऊपर बेस एक हमारा इंपॉर्टेंट लॉ आता है, जिसको बोलते हैं हम हार्डी-सुल्जे लॉ। ठीक है, ये बेसिकली कोई नई टर्म नहीं है, इस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर के कॉन्सेप्ट बना दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं, हार्डी-सुल्जे लॉ। इसके भी जो मेन पोस्टलेट्स है वो हमारे दो मेन पोस्टलेट्स है, कितने मेन पोस्टलेट्स है भाई, दो मेन पोस्टलेट। पहला जो मेन पोस्टलेट है वो तो क्या है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ आयन, हम 19 आयन्स को बोलेंगे जो सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज। जैसे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, नेगेटिव, तो इफेक्टिव आयन उसमें कौन है, किसने आकर के न्यूट्रलाइज किया, नेगेटिव ने। तो क्या बोलेंगे, द इफेक्टिव आयन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ब्रिंगिंग अबाउट कोगुलेशन, इन ब्रिंगिंग अबाउट कोगुलेशन आर दोज विच कैरी अपोजिट चार्ज, विच कैरी अपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। ये भी कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर मान लिया नेगेटिव चार्ज है, तो उसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलेंगे भैया, हमें इफेक्टिव आयन बोलेंगे। और दूसरा इसका मेन पोस्टुलेट क्या है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी। तो क्या, सेकेंड, ग्रेटर इज द वैलेंसी, ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, then greater is its coagulating power to bring about coagulation। ठीक है, तो coagulation करवाने के लिए ज्यादा पावर उसी की होगी जिसकी जितनी ज्यादा क्या होगी, वैलेंसी होगी। क्लियर है? जैसे इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आ सकता है हमारा, मान लिया हमारे पास कोई भी एक नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, फॉर ए नेगेटिवली चार्ज, फॉर ए नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन, लाइक मान लिया हमारे पास सॉल्यूशन अभी आर्सेनिक सल्फाइड As2S3, द कोगुलेटिंग पावर ऑफ कैटायंस विल बी ऑफ ऑर्डर। उनके लिए आप क्या ऑर्डर चूज करेंगे, चार डायरेक्ट ऑप्शन, Al3 पॉजिटिव लेस देन Mg2 पॉजिटिव लेस देन Na पॉजिटिव, सेकंड हमारा Na पॉजिटिव ग्रेटर देन Al3 पॉजिटिव ग्रेटर देन Mg2 पॉजिटिव, सी है हमारा ऑप्शन Na पॉजिटिव लेस देन Mg2 पॉजिटिव ग्रेटर देन
Al3 पॉजिटिव, और लास्ट ऑप्शन हमारा Al3 पॉजिटिव ग्रेटर देन Mg2 पॉजिटिव ग्रेटर देन Na पॉजिटिव। अब देखिए इस पॉइंट पे आइए आप, जितनी ज्यादा वैलेंसी उतनी ज्यादा क्या कोवलेंटिंग पावर। और वैलेंसी एल्युमिनियम की तीन होती है, इसकी दो होती है, इसकी एक होती है। एल्युमिनियम लेस देन होना क्या चाहिए, एल्युमिनियम ग्रेटर देन, सोडियम लेस ग्रेटर देन ना, ये भी नहीं हो सकता, ये प्लस और ये प्लस थ्री, ये प्लस वन, ये प्लस टू, ये भी नहीं हो सकता, ये है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, Al3 पॉजिटिव ग्रेटर होगा Mg2 पॉजिटिव से, और Mg2 पॉजिटिव ग्रेटर होगा किससे, Na पॉजिटिव से। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप जो है चार्ज को देख करके जो बता सकते हो कि किसकी जो कोवलेंटिंग पावर है वो ज्यादा है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कोवलेशन की, कौन कौन से जो मेथड है उस जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोवलेशन करवा सकते हैं। ये मेथड हम पढ़ चुके हैं एक प्रकार से। सबसे पहला क्या है, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होता है, वो कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। सेकंड, बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, ये भी मैं लेक्चर आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, जिसने देखा हो उसको आता हुआ अच्छे से। नेक्स्ट, बाय प्रोलोंग्ड डायलिसिस। डायलिसिस तो हमने पढ़ा है, प्रोलोंग्ड का मतलब क्या है, लार्जर जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसके लिए, तो लार्जर टाइम के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होने लगेंगे और कोगुलेट हो जाएंगे। और लास्ट हमारा फोर्थ, बाय बॉइलिंग और हीटिंग, बाय बॉइलिंग और सॉरी कूलिंग। ठीक है, कैसे हुई, जैसे आप मिल्क को बॉयल करते हो, बॉयल करने के बाद क्या है, दूध के ऊपर जो है मलाई आ जाती है, तो क्या है एक प्रकार से कोगुलेशन हो गया। या फिर आप उसको ठंडा कर दीजिए, दूध को ठंडा होने से जो फैट है वो ऊपर आ जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारे मेथड है कोगुलेशन के लिए। एक अल्टरनेट मेथड भी होता है, बुक के अंदर नहीं मिलेगा वो आपको। अल्टरनेट मेथड क्या होता है, दो अपोजिटिवली चार्ज कोलाइडर पार्टिकल को मिला दो एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अपोजिटिवली चार्ज कोलाइडर पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिलाते ही क्या हो जाएगी, उन दोनों की एक दूसरे के साथ कोगुलेशन हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम इस प्रकार से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोगुलेशन। क्लियर है? उसके बाद अब जो कोगुलेशन करवाना है, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफोबिक तो हमने पढ़े थे वाटर रिपेलिंग, मतलब वो सॉल्यूशन कम स्टेबल थी। मतलब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर हमारे पास कोई लायोफोबिक सॉल्यूशन है और उसके अंदर अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर देगा, उसकी जल्दी कोगुलेशन कर देगा। जबकि लायोफिलिक कोलाइड क्या थे, हमारे ज्यादा स्टेबल थे, तो ज्यादा स्टेबल के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट भी तो क्या ऐड करना पड़ेगा, ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं साल्टिंग आउट। तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट बात लिख सकते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स, लायोफोबिक कोलाइड्स इजली कोगुलेटेड बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा भी जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दीजिए, उससे उसकी क्या हो जाएगी, कोगुलेशन हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि वो क्या है, पहले से ही लेस स्टेबल है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते ही वो और जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ लायोफिलिक रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके अंदर ऐड करेंगे भाई लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी। द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इज कॉल्ड साल्टिंग आउट। कि भाई लायोफोबिक और लायोफिलिक में डिफरेंस है उसके सेपरेशन में, तो उसके लिए लायोफिलिक अब हमारा लेट होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड करना पड़ता है, तो उसके लिए एक स्पेशल टर्म जो है यहाँ पे यूज की जाती है, उसको क्या बोलते हैं हमें, साल्टिंग आउट। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम लगातार इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते रहेंगे तो देखेंगे,
lyophilic salts precipitated a precipitation not due to neutralization. कि भाई lyophobic के केस में जो पार्टिकल्स कोगुलेट हुए हैं वो किस कारण से हुए हैं? न्यूट्रलाइजेशन के कारण, क्योंकि ज्यादातर जो लायोफोबिक कोलोइड्स बढ़ते हैं वो मेटल्स के द्वारा बढ़ते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उनकी क्या हो जाती है? न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि लायोफिलिक के केस में जो प्रेसिपिटेशन हुआ है उस केस में हमारी क्या नहीं होती है? न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती है। तो होता क्या है? बट ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, किस कारण से कोगुलेशन होती है भाई? पार्टिकल्स की हाइड्रेशन होती रहती है, उनके चारों तरफ एकदम से एक प्रकार से क्या होता रहता है? वाटर मॉलिक्यूल उनको स्राव करता रहता है, ठीक है। इससे क्या होगा? ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड रिजल्टिंग इनटू डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल्स, क्योंकि भी जो वाटर मॉलिक्यूल लायोफिलिक के साथ है वो उसको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते रहेंगे तो उसको लेता रहेगा, तो जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल एक प्रकार से क्या हो जाएंगे? वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज काजिंग कोगुलेशन, और वो एक प्रकार से क्या कर देगा? उनकी कोगुलेशन काज कर देगा। तो एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पहला तो लायोफोबिक आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, किसके द्वारा होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा, जबकि लायोफिलिक आसानी से नहीं होते और ना वो न्यूट्रलाइजेशन से होते, बल्कि जब हम लगातार इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते रहते हैं तो उसकी हाइड्रेशन होती रहती है इलेक्ट्रोलाइट की, और जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं? नीचे सेटअप हो जाते हैं, क्लियर है। अब एक ऑर्डर दिया गया है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि जो कैटायन है या जो एनायन है उनकी रिएक्टिविटी के द्वारा जो है अरेंज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम ऑफ-माइसर सीरीज, ऑफ एच ओ एफ एम ई आई एस टी ई आर, ऑफ-माइसर सीरीज, टी इसमें साइलेंट रखेंगे, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं? लायोट्रोपिक सीरीज। क्या बोलेंगे भाई? लायोट्रोपिक सीरीज। तो इसके अकॉर्डिंग पहले तो हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ कैटायन। अब तक हमने क्या बात की थी भाई? जैसे Al3 पॉजिटिव ग्रेटर है, Mg2 पॉजिटिव ग्रेटर है, Na पॉजिटिव से। लेकिन अगर क्या हो, हमें दो कैटायन दिए सेम चार्ज वाले, Mg2 पॉजिटिव है, Ca2 पॉजिटिव है, Sr2 पॉजिटिव है, ठीक है, और Br2 पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है, सीजियम पॉजिटिव है, ठीक है, रूबिडियम पॉजिटिव, इस प्रकार से। तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे? ऑफ-माइसर सीरीज के अकॉर्डिंग। ऑफ-माइसर सीरीज का ऑर्डर क्या कहता है? कैटायन का सबसे ज्यादा कौन होगा? Mg2 पॉजिटिव। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ऑर्डर डिक्रीज होता जाएगा, मतलब Mg2 पॉजिटिव ग्रेटर देन Ca2 पॉजिटिव ग्रेटर देन Sr2 पॉजिटिव ग्रेटर देन Ba2 पॉजिटिव, क्लियर है। ये हमारे अल्कलाइन हो गए। फिर आ जाओ अल्कली का, जो लिथियम को नहीं लेंगे हम, सोडियम से स्टार्ट करेंगे। सोडियम के बाद कौन है हमारा? पोटासियम, पोटासियम के बाद रुबिडियम और उसके बाद सीजियम। अब ये ऑर्डर हमारा इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम ऑर्डर ले सकते हैं एनायन का। एनायन का ऑर्डर क्या होगा हमारा? इसके अंदर हम सबसे ले लेंगे सिट्रेट 3-, टार्ट्रेट 2-, उसके बाद आ जाता हमारा सल्फेट ग्रेटर देन, फॉस्फेट ग्रेटर देन, एसीटेट ग्रेटर देन Cl- ग्रेटर देन NO3- ग्रेटर देन Br- ग्रेटर देन I- ग्रेटर देन CnS-। एक प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो साइज का ऑर्डर चल रहा है। तो ये जो सीरीज हमें प्राप्त हो रही है, इस सीरीज को क्या बोला जाता है? ऑफ-माइसर सीरीज या फिर हमारी लायोट्रोफिक सीरीज। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इस यूनिट के जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे 2 या 3 लेक्चर बचते हैं, और जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा नेक्स्ट लेक्चर भी आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा।
अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की जो नोटिफिकेशन वो टाइम पर मिलती रहे। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।